सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गाइज माइनक्राफ्ट के बारे में कि भाई माइनक्राफ्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है भाई, क्योंकि माइनक्राफ्ट की इतनी ज़्यादा हाई ग्राफिक्स भी नहीं है भाई, और फिर भी भाई ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, ऐसे क्या रीज़न है भाई जो ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर है। सो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। गाइज जो सबसे पहला जो रीज़न है वो है भाई ओपन वर्ल्ड मैप का होना भाई गेम। भाई ये गेम है भाई इतना बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप को आपको प्रोवाइड करता है, जैसे आप पूरी वर्ल्ड का मैप भी लगा लो तो वो भी मैप इसके सामने छोटा पड़ता है भाई। दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मैप है वो इस गेम का है। सो आप सोच सकते हो आप इस गेम में कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। इस गेम में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, हिडन टेम्पल्स हैं, और भाई आप नेदर में जा सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इस गेम में एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई दूसरा वो पॉइंट है भाई क्रिएटिविटी। ये गेम भाई ज़बरदस्त लेवल की आपको क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है, यानी आप इस गेम में कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। और भाई कुछ देशों में तो इस गेम को भाई स्कूलों में भी खिलाया जाता है बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए। तो सोच सकते हो भाई ये गेम कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको प्रोवाइड करता है। आप इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हो, ऑटोमेटिक फार्म्स बना सकते हो, आप भाई अपना खुद का एक सिटी बना सकते हो, विलेज बना सकते हो, आप बहुत कुछ है भाई, आप अपना पूरा का पूरा मतलब एक कासल बना सकते हो, बहुत सारे स्ट्रक्चर आप इसमें बिल्ड कर सकते हो भाई। ये दूसरी चीज बहुत ज़बरदस्त है, और भाई बहुत सारे लोगों ने तो अपने लिए भाई नई सिटी और भाई एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई है भाई इस गेम में। यानी आप इसमें इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, अनलिमिटेड चांस इसमें आप क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो। जो थर्ड रीज़न है भाई वो है गेम का मल्टीप्लेयर होना। भाई आप सोच सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खेल रहे हो, और भाई आप उनके साथ मिलकर क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो, अपने अलग से साथ में मिलकर स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो सोच सकते हो आप एक टाइप से अलग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खेल रहे हो भाई, आप बहुत कुछ कर सकते हो आप एक दूसरे के साथ मिलकर। तो आप एक दूसरे के साथ मिलकर चीजें एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हो, आप कहीं ड्रैगन के साथ लड़ने के लिए निकल जाते हो एक साथ। सो भाई ये गेम आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का जो है मल्टीप्लेयर जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी प्रोवाइड कराता है। तो भाई ये सच में बहुत जबरदस्त नेक्स्ट लेवल का मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस भाई ये गेम देता आ रहा है। सो अगला पॉइंट है भाई वो है गेम का साइज। सो भाई ये गेम सच में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और भाई ये गेम किसी भी कंसोल पीसी में चल जाता है बहुत आसानी से। भाई आपके पास अगर लो एंड से लो एंड फोन है भाई, आप उसमें भी इस जो गेम है उसको चला सकते हो, और आपके पास हाई एंड या लो एंड पीसी है तो उसमें भी ये गेम बहुत मक्खन चलता है। सो भाई ये गेम का ये एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि भाई ज़्यादातर जो ऑडियंस है भाई उनके पास बड़े बड़े 30-30, 40-40, 50 के पीसी नहीं होते भाई, उनके पास नॉर्मल फोन है भाई। सो फोन में इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं इतने अच्छे गेम्स के, लेकिन फिर भी भाई ये माइनक्राफ्ट है जो फोन में भी भाई बहुत नेक्स्ट लेवल का जो है गेमिंग एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड कराता है। सो भाई एक ये मेजर जो है पॉइंट है इसका सक्सेस का, भाई ये गेम है वो इजिली अवेलेबल है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर। सो भाई जो नेक्स्ट और जो लास्ट सबसे बेस्ट मुझे वो लगा भाई वो है इस गेम में मोड्स का ऐड होना। भाई आप इस गेम में मोड लगाकर भाई हेलीकॉप्टर, बोट और AK-47, सो बहुत सारी चीज़ें, बल्कि डायनासोर और बहुत कुछ भाई इस गेम के अंदर ला सकते हो। और भाई गेम में मोड्स होने से भाई आप सोच सकते हो गेम में कितना ज़्यादा मज़ा आ जाता है भाई। गेम एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है वो हमें प्रोवाइड करता है भाई मोड्स की वजह से। और भाई जहाँ तक इसके ग्राफिक्स की बात की जाए तो वहाँ पर आप भाई शेडर्स और जो रिसोर्स पैक है उनको लगाकर भाई इसके ग्राफिक्स को भी आप नेक्स्ट लेवल इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है उसके बाद भाई गेम। और सच में भाई ये गेम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपको भी माइनक्राफ्ट पसंद है और माइनक्राफ्ट से रिलेटेड कंटेंट पसंद है, या आप ऐसी गेमिंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।